हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस या फिर सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। यानी कि जो भी पार्टीज फाइनेंशियल एनालिसिस करती है उसका महत्व क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, ऐसा क्यों करती है कंपनीज, उन्हें क्या फ़ायदा मिलता है फाइनेंशियल एनालिसिस करने से। तो इसमें अगर हम बेसिकली देखें तो क्या रहता है कि बहुत सारे यूज़र्स होते हैं, अलग अलग पार्टीज़ होती है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज़ करती है, उनको अच्छे से जांच करती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। तो डिफरेंट पार्टीज़ के डिफरेंट पर्पज़ होते हैं, इसलिए हर कोई पार्टी अलग अलग एंगल से, अलग अलग तरीके से एनालिसिस करती है। जैसे कि एक जो शेयर होल्डर है, जिसने कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर रखा है, पैसा लगा रखा है, वो तो कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी जानना चाहेगा। यानी कि अगर कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट्स होंगे तो शेयर होल्डर को ज़्यादा डिविडेंड मिलेगा, इसलिए। जबकि जो शॉर्ट टर्म क्रेडिटर है, वो कंपनी की लिक्विडिटी जानना चाहेगा, ताकि वो, क्योंकि वो ये पता करना चाहते हैं कि उसकी जो पेमेंट है, पैसों की पेमेंट है, वो टाइमली हो पाएगी या नहीं, फर्म उसके पैसे, जो फर्म की करंट लाइबिलिटी है, वो टाइमली पे कर पाएगी या नहीं। तो हम ऐसे इस टाइप से अलग अलग यूज़र्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक एक करके देखेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की इम्पोर्टेंस क्या है। जैसे फर्स्ट पॉइंट रहेगा सिग्निफिकेंस फॉर मैनेजमेंट, यानी कि मैनेजमेंट के लिए क्या इम्पोर्टेंस है, मैनेजमेंट क्यों फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करती है। मैनेजमेंट इसलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करती है ताकि उसे कंपनी की सोलवेंसी, प्रॉफिटेबिलिटी और कैपिटल स्ट्रक्चर का पता चल जाए। यानी कि सोलवेंसी मतलब कि कंपनी अपनी लाइबिलिटीज़ पे कर सकती है या नहीं कर सकती। प्रॉफिटेबिलिटी यानी कंपनी के प्रॉफिट्स कितने हैं, फ्यूचर में इंक्रीज होंगे या डिक्रीज होंगे, कम होंगे या ज़्यादा होंगे। देन कैपिटल स्ट्रक्चर यानी कि कंपनी का जो कैपिटल स्ट्रक्चर है, कि उसने ज़्यादा डेब्ट्स इशू कर रखे हैं, डिबेंचर्स इशू कर रखे हैं या फिर शेयर्स इशू कर रखे हैं, तो कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा है, मैनेजमेंट ये पता करना चाहती है। तो इन सब चीज़ों को मैनेजमेंट इसलिए पता करना चाहती है ताकि उसे ये पता चल जाए कि हमारी कंपनी जो है वो अपनी लाइबिलिटी टाइम पे पे कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, अपने शेयर होल्डर्स की टाइमली पेमेंट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। यानी बिजनेस के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को पता लगाने के लिए मैनेजमेंट जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करती है। देन सेकंड पॉइंट रहेगा सिग्निफिकेंस फॉर इन्वेस्टर्स। अब देखो, बिजनेस के इन्वेस्टर्स कौन होते हैं, बिजनेस के अंदर कौन इन्वेस्ट करता है, या तो शेयर होल्डर्स करते हैं या फिर जो बाहर के इन्वेस्टर्स होते हैं, यानी कि डिबेंचर होल्डर्स, वो करते हैं, ये बिजनेस के इन्वेस्टर्स होते हैं। तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो ये चाहते हैं कि जो बिज़नेस है जिस कंपनी के अंदर हम इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, वो कंपनी मार्केट में लंबे टाइम तक बनी रहे। तो इसके लिए वो ये पता लगाना चाहते हैं कि कंपनी का जो है ग्रोथ प्रोस्पेक्टस कैसा है, यानी फ्यूचर में कंपनी ग्रो कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, किस चीज़ में डील कर रही है कंपनी, कि भी फ्यूचर में उस चीज़ का यूज़ है या नहीं है। इसलिए वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज़ करते हैं ताकि उन्हें पता चल जाए कि फ्यूचर में उन्हें डिविडेंड ज़्यादा मिलेगा या कम मिलेगा या फिर मिलेगा ही नहीं। इन चीज़ों के लिए वो एनालाइज़ करके उसके बाद ही कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। देन थर्ड रहेगा सिग्निफिकेंस फॉर क्रेडिटर्स, यानी क्रेडिटर्स क्यों करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालाइज। तो सबसे पहले देखेंगे कि क्रेडिटर होते कौन है कंपनी के। टू टाइप्स के क्रेडिटर हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म क्रेडिटर। जो शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स होते हैं, यानी कि जिसने बिजनेस को थोड़े टाइम के लिए अपना पैसा उधार दे रखा है, वो तो बिजनेस की लिक्विडिटी का पता लगाना चाहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के थ्रू, ताकि उन्हें पता चल जाए कि कंपनी उनकी टाइमली पैसों की पेमेंट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। और जो लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स होते हैं, वो ये देखना चाहते हैं कि कंपनी उनका इंटरेस्ट टाइमली पे कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, और उनके जो जब पैसे ड्यू हो जाएंगे, यानी जब उनकी प्रिंसिपल अमाउंट ड्यू हो जाएगी, तब कंपनी उनके पैसों की पेमेंट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। तो इन दोनों चीज़ों का पता वो कैसे लगाते हैं, इंटरेस्ट का पता लगाने के लिए तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का यूज़ किया जाता है, और उनकी प्रिंसिपल अमाउंट का पता लगाने के लिए डेप्ट इक्विटी रेशियो का यूज़ किया जाता है, यानी कंपनी उनकी डेप्ट का पेमेंट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, इसके लिए डेप्ट इक्विटी रेशियो का यूज़ किया जाएगा। देन नेक्स्ट रहेगा सिग्निफिकेंस फॉर गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो है वो किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इसलिए एनालाइज करती है, जांच करती है, ताकि उसे ये पता चल जाए कि उसे किस कंपनी को, किस इंडस्ट्री को फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करनी है, और किसके ऊपर वो ज़्यादा टैक्स लगा के पैसे अब ले सकती है। यानी जिस कंपनी के प्रॉफिट ज़्यादा हो रहे होंगे उस पर तो गवर्नमेंट ज़्यादा टैक्स लगा देगी, और जो कंपनी लॉस में जा रही होगी उसको गवर्नमेंट फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड कर देगी, लाइक सब्सिडी वगैरह दे के। इसलिए देन नेक्स्ट पॉइंट रहेगा सिग्निफिकेंस फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कौन से होते हैं जो फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करते हैं, यानी पैसे उधार पर दे देते हैं।
तो कुछ ऐसी कंपनीज जो पैसे उधार पे दे देती है, जैसे कि बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, यूनिट ट्रस्ट वगैरह, वो जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालाइज क्यों करना चाहती है? वो इसलिए करना चाहती है कि जिस कंपनी को हम अपना पैसा देने जा रहे हैं वो कंपनी हमारे टाइम पे पेमेंट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। तो इसके लिए वो उस कंपनी की प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी का पता लगाना चाहते हैं, वो उसकी फ्यूचर की ग्रोथ प्रोस्पेक्टस का पता लगाना चाहते हैं, ताकि अगर जो कंपनी फ्यूचर में ग्रो करेगी, जिसकी ग्रो करने की एक्सपेक्टेशंस है, वो तो इजीली लोन पे कर देंगे, इसलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालाइज किया जाता है। देन सिग्निफिकेंस फॉर एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयज़ जो है वो क्यों देखते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, ताकि उन्हें ये पता चल सके कि कंपनी की जो है प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी कितनी है और उनकी वेजेस जो है, उनको बोनस मिलेगा, वो इंक्रीज होएगा या नहीं होएगा, इसलिए करते हैं। देन सिग्निफिकेंस फॉर स्टॉक एक्सचेंज अथॉरिटीज़, यानी कि जो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर अथॉरिटीज़ हैं, बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, वो क्यों सिग्निफाई करते हैं हमारी स्टेटमेंट को, एनालाइज करते हैं? वो इसलिए करते हैं ताकि उन्हें पता चल जाए कि पर्टिकुलर जो कंपनी है वो ग्रो कर रही है या नहीं कर रही, मतलब कंपनी जो है वो किस लेवल पे खड़ी है, ताकि उन्हें ये पता चल सके कि पर्टिकुलर कंपनी, कोई भी एक कंपनी है, उसके शेयर्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। अब जो कंपनी ये है कि फ्यूचर में ज़्यादा हाई जाएगी, उसके शेयर्स की वैल्यू हाई रखी जाती है, और जो कंपनी के ग्रोथ होने के चांसेस नहीं होते, उसके शेयर्स की वैल्यू कम रखी जाती है। इसलिए स्टॉक एक्सचेंज अथॉरिटीज़ जो हैं डिफरेंट कंपनीज़ की फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जांच करती हैं। देन रहेगा टैक्सेशन अथॉरिटीज़, टैक्सेशन अथॉरिटीज़ जो है वो किस डिफरेंट कंपनीज़ के जो है प्रॉफिट्स का पता लगाना चाहती है, ताकि उन्हें पता चल सके कि उन्हें किस कंपनी से कितना जीएसटी और इनकम टैक्स रिसीव करना चाहिए, कितना परसेंट टैक्स लगाना चाहिए। देन रहेगा सिग्निफिकेंस फॉर रिसर्चर्स, रिसर्चर्स जो होते हैं वो डिफरेंट कंपनीज़ का ये रिसर्च कर रहे होते हैं कि कितनी सेल हुई, कितने प्रॉफिट हुई, और कौन सी कंपनी ज़्यादा एफिशिएंट है, कौन सी कंपनी के पास ज़्यादा पैसा है, कौन फ्यूचर में ज़्यादा ग्रो करेगा। तो इसलिए वो अपनी रिसर्च को कंप्लीट करने के लिए डिफरेंट कंपनीज़ के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालाइज करते हैं। देन नेक्स्ट रहेगा सिग्निफिकेंस फॉर अदर पार्टीज़, फिर है कि डिफरेंट अलग अलग पार्टीज़ होते हैं जो अपने अपने पर्पज़ के लिए या फिर समाज के कल्याण के लिए भी कुछ पार्टीज़ जो है क्या करती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालाइज करती हैं, जैसे कि इकोनॉमिस्ट हो गए, ट्रेड एसोसिएशन, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन, ये सब भी कर लेते हैं। देन लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस, हमने अब इतनी इम्पोर्टेंस देख ली भाई, डिफरेंट यूज़र्स जो है अपने अपने यूज़ के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालाइज करते हैं, ठीक है, उन्होंने एनालाइज कर लिया, लेकिन उसके कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं, जैसे लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पहला पॉइंट रहेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही कुछ एनालिसिस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कुछ लिमिटेशन होती है, कुछ कमियाँ होती है, तो अगर हम उसको एनालाइज करने जाएंगे तो वो हमारा एनालिसिस भी गलत रहेगा, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही गलत है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर ना कई बार हम क्या करते हैं कि कुछ चीज़ें शो नहीं करते, तो वो इनकम्प्लीट होती हैं, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है कुछ रूल्स पे बेस्ड होती है, तो उसके अंदर सारी चीज़ें रिकॉर्ड नहीं की जाती, तो ये उनकी लिमिटेशंस है। इसी टाइप से हमारी एनालिसिस की भी लिमिटेशन बन जाती है। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग, विंडो ड्रेसिंग करना मतलब जो हमारी ट्रू पोजीशन है ना बिजनेस की, उसको छुपाना, यानी कि कुछ कंपनीज जो है ना बिल्कुल सही प्रॉफिट सेल वगैरह फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर शो नहीं करते, तो जब हम उन स्टेटमेंट गलत स्टेटमेंट को एनालाइज करने जाएंगे, उनकी जांच करने जाएंगे, तो हमें जो भी कंक्लूजन्स वहां से मिलेंगे वो हमारे गलत हो सकते हैं, ऑब्वियसली सी बात है वो गलत ही होंगे। डू नॉट रिफ्लेक्ट चेंजेस इन प्राइस लेवल, मतलब कि मार्केट के अंदर प्राइस लेवल के अंदर जो चेंजेस आते हैं वो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर शो नहीं करते। हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जस्ट हर साल के जो हमारे प्रॉफिट हुए हैं, सेल, परचेज, मतलब ट्रांजेक्शन से शो करते हैं, लेकिन प्राइस लेवल का इफेक्ट वहाँ शो नहीं किया जाता। इसलिए हम जब एनालिसिस करने जाते हैं स्टेटमेंट को, तब हमें प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिल पाते। देन नेक्स्ट रहेगा डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज़, यानी कि डिफरेंट जो अलग अलग कंपनीज़ होती है ना, वो अलग अलग अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को अडॉप्ट करती हैं, और कुछ यूज़र्स क्या करते हैं कि डिफरेंट फर्म के अकाउंटिंग जो स्टेटमेंट होते हैं उनको कंपेयर करने लग जाते हैं, तो वहाँ पे कंपैरिजन जो है वो सही से नहीं हो पाता, क्योंकि उनकी पॉलिसीज़ अलग अलग होती हैं। जैसे कुछ कंपनीज़ क्या करती हैं, डेप्रिशिएशन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से लगाती है, जबकि दूसरी कंपनीज़ मतलब सेम लाइन में जो वर्क कर रही है, दूसरी कंपनीज़ वो जो क्या करती है, स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिशिएशन लगाती है, तो वहां पे उन दोनों कंपनीज के अकाउंट्स को कंपेयर करना सही नहीं होगा, वो वहां पे ठीक से रिजल्ट नहीं मिलेंगे, हमें गलत रिजल्ट मिलेंगे।
द नेक्स्ट पॉइंट है इफेक्ट ऑफ पर्सनल एबिलिटी एंड बायस ऑफ द एनालिस्ट, यानी कि जो हमारे फिगर्स दिए होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर वो अपने आप तो कुछ बोलते नहीं, डिफरेंट पर्सन उनको एनालाइज करते हैं, तो हर बंदा अपने तरीके से एनालाइज करेगा। तो वहाँ पे पर्सनल एबिलिटी यानी कि हर कोई बंदा जो अपने अपने तरीके से करेगा, उनके एनालाइज करने के तरीके अलग रहेंगे, वहाँ से अलग अलग रिजल्ट हमें मिलेंगे, तो ये भी एक लिमिटेशन है। देन डिफ़िकल्टी इन फोरकास्टिंग, यानी कि हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं ना वो पास्ट रिकॉर्ड पे बेस्ड होती है, तो उससे फ्यूचर का अंदाज़ा लगाना कि फ्यूचर में हमारा बिजनेस ग्रो कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, इस टाइप से फ्यूचर का अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है और वहाँ पे सही रिजल्ट नहीं मिलते हमें। लैक ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस, यानी कि इसमें ना हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर हम क्या करते हैं कि जो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट होता है ना उनको रिकॉर्ड करके नहीं चलते, सिर्फ जिन वैल्यूज़ को हम मनी टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं ना उन्हीं वैल्यूज़ को रिकॉर्ड करके चलते हैं, तो ये भी इसकी एक लिमिटेशन है। देन लास्ट पॉइंट रहेगा लिमिटेड यूज ऑफ सिंगल ईयर एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि हम क्या कर सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट होना सिर्फ पिछले एक साल की अगर जो वो है हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसके साथ ही कंपेयर कर सकते हैं, अगर पिछले 3-4 सालों के साथ कंपेयर करेंगे तो वहां पे हमें सही रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो ये था हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का एक चैप्टर। आई होप आप सभी को ये टॉपिक समझ आए होंगे, अगर समझ आए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।